यहाँ पर अगर मैं सेल नहीं कर सकती तो एटलीस्ट बाय ना करूँ यहाँ पे टॉप में ओपन है मुझे खरीदने से बचा लेगा हम प्रॉफिट थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं लॉस और रिड्यूस कर सकते हैं चलिए आपको दिखाते हैं रनिंग मार्केट में कैसा दिखता है यहाँ पर आएगा फिर बेचेंगे स्टॉप लॉस के साथ 700.5 परसेंट एक हफ्ते में नीचे आया है इट्स नॉट अ स्मॉल डील फ्रेंड्स जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि जिस वीडियोस को मैक्सिमम व्यूज कमेंट्स लाइक्स आएंगे उन्हीं पे मैं एडवांस टॉपिक भी बनाऊंगी जिससे क्या है कि आप लोग और सीख सके एक जो सीखने की इच्छा होती है ना वो कभी पूरी नहीं होती है वैसे ही मेरी भी जो सिखाने की इच्छा है और जो पैशन है वो कभी पूरा नहीं होता RSI वाला जो वीडियो था उसको मैक्सिमम लाइक्स आए थे बहुत लोगों ने व्यू किया तो उसी का एक एडवांस वर्जन बना रही हूं RSI में एक हमने देखा था 70 और 30 हम बेसिक यही पैरामीटर्स यूज करते हैं मैं पैरामीटर्स चेंज नहीं करती हूँ तो मैंने कहा था कि आरएसआई के ऊपर बाइंग और स्पीड वाला जोन होता है और 30 के नीचे स्पीड वाला जोन होता है अब फ्रेंड्स बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि ये तो हो गया आरएसआई और प्राइस जो है ऐसे जा रही है और आरएसआई 70 के ऊपर ये तो 70 के ऊपर भी RSI ऐसे नहीं कभी-कभी RSI ऐसे बिहेव करता है मतलब 70 के नीचे नहीं आता है या 70 के थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर चला जाता है ऐसी सिचुएशन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए हम नया रेजिस्टेंस कैसे ढूंढें तो एक और चीज जो मैं यूज करती हूँ, वही आपके साथ शेयर करती हूं और ये अगर किसी के साथ मिलता है तो इट इज जस्ट अ को इंसिडेंस बिकॉज मैं इसे काफ़ी सालों से यूज करते आई हूँ अगर ये किसी के साथ भी मिलता हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा इट इज जस्ट अ को इंसिडेंस बिकॉज मैं वो सिखाती हूँ जो मैं यूज करती हूँ यहाँ पर आर एस आई में भी क्या मैं ऐसे एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ बिल्कुल कर सकते हैं और अगर मैं देखूँ तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन मैं बनाती हूँ तो उसी के साथ जब प्राइस मैच होता है सपोज यहाँ पे यहाँ पे तो उस लेवल पर एक रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है यस yes. क्योंकि 70 के ऊपर तो भी मुझे कोई बताएगा नहीं अब ये आर के ऊपर का मैं इस टाइप का भी रेजिस्टेंस ले सकती हूँ या या फिर मैं अब ये भी सब 70 के ऊपर है तो मैं इस टाइप का भी रेजिस्टेंस ले सकती हूँ ये नेगेटिव डाइवर्जेंस क्लासिक तो नहीं है ना बिकॉज सेवेंटी के नीचे नहीं है इसलिए क्लासिक नहीं कह, कहा जाता है तो जहाँ आर एस आई में रेजिस्टेंस मिलता है मुझे प्राइस में भी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जैसा मिलता है वहां से थोड़ा एक करेक्शन आता है और फिर वापस प्राइस चलता है तो आर एस आई में भी जैसे मैंने रेजिस्टेंस निकाला है वैसे ही मैं सपोर्ट भी निकाल सकती हूँ मान लो ये आर एस आई यहाँ पे आया फिर यहां से ऊपर गया फिर यहां आया फिर यहां से ऊपर गया फिर यहां आया तो क्या ये जो पॉइंट्स है ये भी रेजिस्टेंस का काम करते हैं बिल्कुल और यहीं से जनरली जो मैं देखती हूँ प्राइस जो है इस तरह से एक सपोर्ट लेके वापस घूम सकता है तो हम वहाँ पे दो चीज का सपोर्ट ले सकते हैं फिबोनाकी का भी सपोर्ट ले सकते हैं और साथ में आर भी अगर हमको सपोर्ट देता है तो इससे अच्छी बात क्या और होगी तो चलिए हम चार्ट पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं हाँ तो फ्रेंड्स ये एक चार्ट हमारे सामने है ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं मुझे नहीं पता कहाँ पे जाके रुकेंगे आर एस आई सेवेंटी के ऊपर है जैसे मैंने कहा क्लासिक डाइवर्जन सेवेंटी के नीचे आएगा तो क्या मैं यहाँ पे एक ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस बना सकती हूँ और अगर हम देखें तो क्या हमें इसी लेवल के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिल रहा है रुक रही है प्राइस बहुत ज्यादा नहीं रुकी और इस रेजिस्टेंस के पास मतलब मुझे ये पता है कि यहाँ पर अगर मैं सेल नहीं कर सकती तो एटलीस्ट बाय ना करूं ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस उसके साथ अब मैं यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन बनाती हूं ये फर्स्ट और ये सेकंड पॉइंट तो दोनों मैच होता है यस

ओपन और हाई पास पास में दिया है बस वहीं से मैं इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस लेकर और शॉर्ट कर सकती हूँ या पुट बाय कर सकती हूँ और इस तरह से ये ट्रेड मेरे बन सकते हैं राइट उसके बाद ये सेवेंटी के नीचे भी आया है और यहाँ पर भी होता है बिल्कुल बहुत लोग सोचते हैं आर एस आई पे ट्रेंड लाइन होती है बिल्कुल होती है देखिए क्या मस्त ब्रेकडाउन दिया है और वो भी सेवेंटी के ऊपर से जब इस तरह का ब्रेक डाउन दिया है तो आप ये स्पीड देखिए सेवेंटी के ऊपर से जब ये ब्रेकडाउन दिया है जो कि बहुत रेयर चांस है और यहाँ पर भी देखिए क्या मैं ये ट्रेंड लाइन बना सकती हूँ देखिए ये भी बिल्कुल सेवेंटी के इधर से ही ब्रेकडाउन दिया है उसके बाद का व्यू देखिए किस तरह से ये जो दिया है एक ही कैंडल में जो ये स्पीड मिलती है ना इस तरह की ब्रेकडाउन से और ये रेजिस्टेंस का काम भी कर रहा है ये सपोर्ट का काम भी कर रहा है अगर यही इसमें ब्रेकआउट आ जाए तो खतरनाक है इसीलिए स्टॉप लॉस लगवा रही हूँ कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करें आप सोचते होंगे कि यहाँ पर भी ब्रेकडाउन आया है तो यहाँ पर उतनी गिरावट नहीं आई है एक ही में काम खत्म हो गया ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन के इधर ही उसी की है उसके बाद आपको इफेक्ट इतना नहीं मिलेगा वाई मिले ना मिले वो सेकेंडरी है लेकिन अगर ये यहाँ का मुझे कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन मिलता है ना सेवेंटी के इधर का उसकी स्पीड अलग होती है फॉल्ट की और ये वाली जो है ये बिलो सेवेंटी है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग यहाँ पर मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह इसको यूज करूँगी ब्रेकडाउन हो गया दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे अब हम इसी को रेजिस्टेंस के रूप में यूज़ करते हैं, right? राइट 70 के ऊपर निफ्टी एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ बना दी यहाँ की भी रेजिस्टेंस बना देते हैं चलो देखिए दोनों साथ साथ में बराबर काम कर रही है ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आर एस आई में भी रेजिस्टेंस लग गया उसके बाद प्राइसेस जो है अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट नहीं कर सकती कोई बात नहीं बाय तो नहीं करूंगी उसके बाद ओपन हाई जैसा मिल गया टू वन सेवन फाइव वन और टू वन सेवन डबल फाइव इट्सोस्ट ओपन हाई जैसा और लो कहां तक बनाया इक्कीस पांच सो राइट तो टू वन सेवन डबल फाइव दूसरा दिन 2500, 200 निफ्टी के लिए. इधर तो हम ऐसे ट्रेड करते हैं अगर दो सौ ढाई सौ पॉइंट दो 200 ढाई सौ पॉइंट टू हंड्रेड टू फिफ्टी पॉइंट इन निफ्टी टू इन डेज इज अ वेरी बिग डील फॉर एनी वन ट्रेड्स चलिए इसे देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम मैं लोएस्ट पे लेके जा रही हूँ फाइव मिनट्स कोई रूल नहीं है कोई गारंटी नहीं है प्रैक्टिस कीजिए प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम टॉप और बॉटम एटलीस्ट वहां पे ऐसा वाला ट्रेड ना करें जिसमें हम ट्रैप हो जाए मतलब टॉप में बाय बॉटम में सेल ठीक है हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं वो भी बहुत बड़ी बात होगी तो चलिए अब मैं इसे एकदम लोएस्ट टाइम फ्रेम पे लेके जा रही हूँ दैट इज फाइव मिनट्स ओके दिस इज जस्ट टू से दैट फ्रेंड्स ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं ये कई सालों से करती आई हूँ और इसे हर टाइम फ्रेम पे मैंने यूज किया है और जब ऐसा सिनेरियो बनता है बहुत मजा आता है हर बार बनेगा गारंटी नहीं है लेकिन जब बनता है ना तो बहुत मजा आता है तो इसमें फिर से हम एक लाइन बनाते हैं चलिए देखते हैं ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन राइट अगर देखे तो ये रहा प्राइस फिर नीचे गया ऊपर गया कहीं भी गया हो देखिये ये रहा प्राइस फिर उसके बाद नीचे आ गया फिर वो आके वहीं अटक गया पहला वाला जो बनता है वो डबल टॉप जैसा बनता है फिर उसके बाद भी वही है फिर नीचे आया थोड़ा सा पांच मिनट का टाइम फ्रेम है के लिए बहुत ईजी है ना कि इसको यूज किया जा सके और फिर उसके बाद वापस उधर ही आके अटका और दूसरे दिन मुझे बोलने की जरूरत नहीं है और ये आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं ये ये उसका सिनेरियो देख लीजिए ऐसे चांस मिल सकते हैं गारंटी मैं किसी चीज़ की नहीं लेती हूँ इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है और बहुत प्रैक्टिस किया है और कर रही हूँ एवरी डे तो जब मैं ट्रेड पे बैठती हूँ तो मैं थोड़ा ट्रेड मैनेज कर सकती हूँ और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड कभी नहीं करना चाहिए इसका स्टॉप लॉस होगा आर इसके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे देना Why close? Because ये आपको running market में हो सकता है इसके ऊपर दिखाई दे चलिए आपको दिखाते हैं रनिंग मार्केट में कैसा दिखता है ओके चलिए हम आपको रिप्ले करके दिखा रहे हैं कि रनिंग मार्केट में ये कैसा दिखता है स्पीड थोड़ी इसकी नॉर्मल कर देते हैं और देखिए रनिंग मार्केट में ये कैसा दिखता है ये रहा गिरा तो स्काल्पिंग के हिसाब से काफी अच्छा है मुझे इसी पॉइंट पे नजर रखनी है यहाँ पर आएगा फिर बेचेंगे स्टॉप लॉस के साथ में ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ वो भी आपको बताऊँगी देखिए फिर इस लेवल पे राइट इसके ऊपर गया भी नहीं क्लोज भी नहीं दिया ओके सी हाउ ब्यूटीफुली इट इज़ वर्किंग दिस इज़ अ रिप्ले मुझे चांस मिलेगा तो मैं जरूर आपके लिए रिकॉर्ड करके लाऊंगी सी द ब्यूटी दिस इज हाउ वी कैन सी ये आज का है जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए ये वीडियो शूट रिकॉर्डिंग पोस्ट मार्केट है कभी मुझे चांस मिला तो मैं लाइव मार्केट भी आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी इट वर्क्स सेम वे सब्जेक्ट टू जिस वीडियो पे मुझे सबसे ज्यादा लाइक्स कमेंट्स मिलते जाएंगे उसी के अंदर मैं आपको और आगे और आगे बताते जाऊंगी और एडवांस सिखाते जाऊंगी आप इससे कोशिश कीजिए इसमें भी आपको डाउट आएंगे और आना भी चाहिए तो कमेंट्स में आप अपने डाउट्स भी लिखिए कि इसमें आपको क्या डाउट्स आ रहा है हमारी टीम और मैं हम लोग अब वो डाउट्स निकाल रहे हैं और वो डाउट्स के भी हम वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोगों की नॉलेज और एनहांस होगी और बढ़ेगी पेपर ट्रेड से प्रैक्टिस कीजिए एक-एक दो-दो क्वांटिटी जब उसमें आपकी सक्सेस रेशियो अच्छी हो जाए तो रियल में कैश में सिर्फ एक क्वांटिटी से स्टार्ट करिए और उसमें भी अगर 10 में से आठ ट्रेड आपके सक्सेस जा रहे हैं और दो में आपने डिसिप्लिन के साथ में एस हिट किया है या चार में भी आपने डिसिप्लिन के साथ एस हिट किया है और नेट ऑफ ऑफ प्रॉफिट में हो तो आप क्वांटिटी डबल करके ट्राई करिए ऐसे करते करते दो तीन चार महीने लगेंगे आपको प्रैक्टिस करके सीख के ट्रेड करने में जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आप सब सीख जाएंगे मैं तो आज तक करते आ रही हूँ और आज भी मैं दो घंटा रोज प्रैक्टिस करती हूँ तभी रोज कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सामने आता रहता है और जैसे जैसे वो सामने आता है मेरा मन करता है मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो ये सब देख लिया आपने एक चीज आपको साथ में दिखाते दिखाते एक और दिखा रही हूँ जो अभी अभी सामने आई है आर एस आई नीचे नीचे यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है वो है टल सपोर्ट राइट यहाँ पर आप सोचते होंगे कि मुझे ये भी तो दिख रहा है अभी तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हुआ है खुद देखिए काम कर रहा है इसे यूज कीजिए मैंने आपको पांच मिनट का दिखाया वीकली देखते हैं, तो वीकली में क्या दिख रहा है ये देखिए आपके सामने ये एक पॉइंट राइट right? उसके बाद निफ्टी स्ट्रगल कर रही है थोड़ी तो नीचे आई ना भाई वीकली में नीचे आई है परसेंट एक हफ्ते में नीचे आया है इट्स नॉट अ स्मॉल डील छोटा सा दिखता होगा फिर यहाँ पर इसके बाद दो परसेंट के करीब नीचे आई है बिल्कुल दो परसेंट के नीचे आई है क्योंकि सेवेंटीन फोर फाइव टू का लो बना के सेवेंटीन फाइव थ्री टू पे बंद किया है फिर उसी को क्रॉस नहीं किया और उसके बाद देखिए आप कितना नीचे तो आ गया मतलब ये हायर टाइम फ्रेम्स पे भी वर्क कर रहा है ये वीकली है आपको यहाँ देख के पता चलेगा क्या ये मंथली पे भी वर्क करता है सभी लोगों के रिक्वेस्ट के बाद ज्योति मैम फाइनली रेडी है टू कंडक्ट अ मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु बीन वाचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम हर वीडियोस ये मेंटोरशिप प्रोग्राम में हम प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे और उन्हें साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे ये एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम है इसलिए आप इसके बारे में और जानने के लिए दिए गए लिंक पे जा सकते हैं और जान सकते हैं कि हम क्या क्या चीज कवर करेंगे सो हरी अप गाइस बिफोर समवन एल्स ग्रैब्स योर सीट चलिए देखते हैं क्या ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है यहाँ पे वर्क किया यहाँ पे वर्क किया और उसके बाद एक ही महीने में छ परसेंट और पांच परसेंट एक दो महीने में ग्यारह परसेंट और ये एक परसेंट और उसके बाद छह परसेंट सात परसेंट डाउन और फिर जो ये मिला बाकी सब न्यूज हम कह सकते हैं कि भाई उनके पास एडवांस इंफॉर्मेशन थी बट कोविड की तो ये देखिए कोविड का फॉल आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है लेकिन यहाँ क्यों रेजिस्टेंस लिया वॉजेंट इट समथिंग कि हाँ भाई कुछ हो सकता है आगे मुझे बताने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स uh, 2020 का ये फॉल को मैंने जो इनकेश किया था इसका मैंने काफी लोगों को सिखाया भी था और इसके वीडियोस पहले भी बनाए थे मैंने कि ये फॉल मैंने इसी तरीके से देखा था और मैंने पुट्स खरीदे थे मार्च के आई भी डाउन थी तो ये सब देखकर मैंने ये बनाया था आई डोंट नो आप में से शायद कोई ऐसा होगा इसमें जो ये जानता होगा कि मैंने ये सिखाया था 2020 के बिगनिंग में ही मैंने ये सिखा दिया था कि यहाँ पर थोड़ा सा हेज करना बनता है अगर आप ऑप्शंस बाय नहीं करना चाहते कोई बात नहीं हेज तो बनता है अब आपको बैंक निफ्टी मंथली दिखाती हूँ व्हाट से ये रनिंग है और हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस है जब तक ये वीडियो आपके पास आएगी शायद आपको क्लैरिटी और मिल जाएगी या जब भी आप देखोगे तो जरा सा इसे बैक टेस्ट करके देख लेना स्टॉप लॉस डेफिनेटली मेरा आर एस आई के ऊपर भी है या ये विच एवर कम्स फर्स्ट जो ट्रेंड लाइन रहेगी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अगर मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो मैं हेज के साथ करूंगी और फ्यूचर शॉर्ट नहीं किया तो नहीं करूंगी सब्जेक्ट टू क्या मैं फ्यूचर शॉर्ट करूंगी सौ पॉइंट का फर्क है मंथ स्टिल ओपन लो तो करना चाहिए नहीं ना तो मुझे वेट करना है या तो ये लो तोड़े तो मैं करूंगी और एल्स आई विल वेट फॉर नेक्स्ट मंथ जब ये ओपन हाई बनाएगा तब इसमें ट्रेड बनेगा मेरे लिए तब तक इसका ट्रेड नहीं बनेगा इस तरह से आप इसे देख सकते हैं क्योंकि जब मैं आज ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तक ये यहीं तक का है तो मैं जो कह रही हूँ आपको आइडिया आ जाएगा अगर यहाँ पे लाल नहीं बना ओपन हाई बन जाता है तो यहाँ का स्टॉप लॉस आ जाएगा उसके साथ में अगर ओपन हाई नहीं बनता है तो मैं ट्रेड नहीं लूंगी इसको ब्रेकआउट दे दिया तो ट्रेड नहीं लूंगी और या फिर इसका लो ब्रेक कर दिया तो ट्रेड लूंगी ओपन हाई मन, नेक्स्ट मंथ का दिखाएगा तो ट्रेड लूंगी ओके तो ये सब चीजें मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि दैट विल बी माई सिनारियो बट स्टिल आई विल नॉट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस अगर और प्रेफरेबली आई विल क्रिएट पुट स्प्रेड्स मतलब बेयर पुट स्प्रेड्स लॉस कंट्रोल में रहता है काफी कंट्रोल में रहता है प्रॉफिट्स कंट्रोल हो जाएंगे राइट right? ये क्वेश्चन सबको आएगा तो वैसे भी माय फ्रेंड्स सबके प्रॉफिट्स कंट्रोल में ही होते हैं प्रॉफिट्स तो फटाफट बुक हो जाती है लॉस में ही खड़े रहते हैं ना तो ठीक है ना हमने अभी लॉस को भी कंट्रोल कर लिया तो कौन सी प्रॉब्लम आ गई प्रॉफिट्स तो आपने कंट्रोल कर लिया मैंने तो लॉस को भी कंट्रोल किया तो इसीलिए मैं दोनों को यूज करती हूँ साथ साथ में फ्रेंड्स हम एक और स्टॉक देखते हैं ये देखिए अभी अगेन ये स्टॉक सेवेंटी के ऊपर है बट देखिए मुझे टॉप में खरीदने से यहाँ पे बचा लेगा राइट यहाँ पे टॉप में ओपन है मुझे खरीदने से बचा लेगा अगर मैं शॉर्ट नहीं कर सकती तो कम से कम बाय तो नहीं करूँगी उसका रिजल्ट ये जो फॉल आया है छोटा होता है लेट से हम थ्री वन जीरो से थर्टी वन हंड्रेड से टू एट फाइव जीरो तक लेके आ गया ये प्राइस को या ट्वेंटी नाइन हंड्रेड मतलब दो सौ तीन सौ पॉइंट भी अगर हमने सेव कर लिए टेन परसेंट अप्रोक्सीमेटली हमने सेव कर लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई ना माय फ्रेंड्स तो ये देखिए यहाँ पे ये कर लिया यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे दिया तो निकल के आगे वापस उसी पे आके अटका फिर थोड़ा नीचे दे दिया फिर उसके बाद यहाँ देखिए क्या कहते हो नीचे गया ऊपर आया नीचे गया ऊपर आया नीचे गया वापस इधर ही आके अटक गया एंड सी द ब्यूटी क्या ये ब्रेकआउट दे पाया डेली में है यही पॉइंट है ना कम से कम शॉर्ट नहीं कर सकते तो बाय तो नहीं करे ये चीज तो हम ध्यान रख सकते हैं बस एडवांस में ये और प्लस एक और चीज क्या हम इसको सपोर्ट के रूप में यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ट्रेंड लाइन देखिए जब भी सपोर्ट के पास में आया है वहां से ऊपर गया है यहाँ पर वही जो मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ उसमें इसने ब्रेक डाउन दिया है आगे की कैंडल कैसे बिहेव करेगी वो तो अभी मंडे से ही पता चलेगा बिकॉज टूडे इज फ्राइडे ट्वेल्थ अप्रैल तो मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया है इसको एडिटिंग होकर आप तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगेगी वो लगेगी उसके लिए आई कान डू एनी थिंग एक और चीज चलिए एक और चीज सपोर्ट में आपको दिखाते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम मतलब वन आवर ये सब जगह काम करता है ये देखिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है राइट right? इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ ये प्राइस के नीचे क्लोज नहीं हुआ जहां से मेरा स्टार्ट होता है उसके बाद है ना कमाल की चीज फिर से उसी सपोर्ट को थोड़ा एक्टिवेट कर दिया वहीं से घूम के फिर चला गया और लाइन वही है मैं कहीं चेंज नहीं कर रही हूँ ये देखिए फिर थोड़ा सा ऊपर अब यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि ये इसके नीचे है लेकिन वो एग्जैक्टली सेम टू सेम बॉटम नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं बाकी के लिए हमारे पास और भी तरीके हैं जैसे ट्रेंड लाइंस है और है बट आर एस आई के थ्रू भी हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं वो ज्यादा स्ट्रोंग होता है क्या कहते है? और मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट 70 के लाइन मतलब 70 के नीचे अगर आ रहा है उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो गिरने की स्पीड फास्ट होती है मैंने आपको अभी डीएलएफ में दिखाया था यही डी एल एफ वाली लाइन के अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक स्टॉक में दिखाया था सेम चीज अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ ये दो थर्टी के नीचे है और ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है थर्टी वाले आर एस आई के साथ में यहाँ पे कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है एंड सी द ब्रेकआउट का स्पीड कंटिन्यू मतलब एट टू टेन परसेंट जस्ट इन टू थ्री डेज दिस इज द ब्यूटी दिस इज द ब्यूटी यहाँ पर भी बिल्कुल देखिए ये आपका 70 के ऊपर की ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया है एंड फिर उसके बाद जो फॉल आई है देखो एक ही कैंडल में कितनी बड़ी बड़ी फॉल आई है ये उतना मजा नहीं दिया नहीं दिया तो नहीं दिया लॉस तो नहीं दिया तो इस तरह से हम प्रॉफिट्स थोड़ा और इंक्रीज कर सकते है लॉस और रेड्यूस कर सकते है करते करते हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट में आ जाएगी और मेरे सारे सेशंस रिटेलर्स के लिए नए लोगों के लिए और जिन लोगों को सीखने की इच्छा है उन लोगों के लिए है तो अपनी क्वेरीज पोस्ट कीजिए व्यूज लाइक्स ही मुझे बताएंगे कि मुझे इसका भी एडवांस वर्जन बनाना है या कोई और टॉपिक पे लेके जाना है हर टॉपिक पे एडवांस में एडवांस एडवांस में एडवांस बनते ही जाता है और मिलते ही जाता है और जितना एडवांस बनता है एक बार वो समझ में आ गया तो वो बहुत ही सिंपल बन जाता है और दिखने लग जाता है कि हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आई होप आर एस आई का ये एडवांस टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा आपको बहुत मजा आया होगा और कुछ अच्छा सीखने को मिला है थैंक यू